हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूँ आलंग शिक्षण पर। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं इकाई 12 स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें लंब वृत्ति बेलन तथा शंकु के बारे में, हमने बेलन के बारे में देख लिया है। बेलन क्या होता है, उसके सारे फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका वक्रीय क्षेत्रफल अभी लिख देते हैं सारा फार्मूला फिर से। जो लोग अगर कल मिस किए होंगे वो तो फार्मूला कम से कम जान जाएंगे। और कल कुछ क्वेश्चन कराया गया था, 4-5 क्वेश्चन इस पर कराया गया था, आगे क्वेश्चन कराएंगे इस पर। पहले शंकु खत्म हो जाए, आज शंकु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो पहले हम लोग पहले बेलन के बारे में, बेलन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बेलन, बेलन का अगर बोला जाए दोस्त, आप लोग सभी लोग बताइए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वक्री क्षेत्रफल बता दीजिए चारों तरफ का, इसे वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग तुरंत बताएंगे, पाई आर एच, 2π r h। क्या बताएंगे? 2π r h। कल का वीडियो आप लोग देखिए, नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। और अब शंकु के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जाइएगा नहीं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, अगर हमको पता करना वक्र पृष्ठ का हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इस सर्कल का भी और इस सर्कल का भी, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 2π r h प्लस π r² π r² 2π r² यही तो होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2π r, कॉमन कर लिए थे, क्या बच गया था अंदर? π r² सॉरी r प्लस h बचा था ना, r प्लस h, 2π r² प्लस 2π r h, यही तो होता है। अब इसका आयतन देख लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के बारे में क्या बताए थे कल दोस्त? सारा डिटेल में हम लोग कल पढ़े हैं। जो लोग पूरा अच्छे से इसका डेरिवेशन टाइप में देखना चाहते हैं तो कल देख लें उसको जाके ना। आज हम लोग डायरेक्ट फार्मूला, बेलन का आयतन कल ये भी बताया गया था ना, क्या होता है बेलन, बेलन लंबवृत्ति बेलन क्या होता है, सब कल बताया गया। आप लोग कल देखिए उसको, कल वाली वीडियो देखिए। बेलन का आयतन क्या हो जाता है दोस्त? π r² प्लस उसका हाइट, यह रेडियस था और यह इसके इस आधार से यह वाला डिस्टेंस, यही तो हाइट है इसका। क्योंकि गोला ग्लास है, ग्लास पूरा गोल है तो बिल्कुल बीच से लिया जाएगा ना, सर्कल वाला ऊपर और नीचे उसकी पैदी से पूरा उसका बिल्कुल मिड पॉइंट, तो वही चीज़ है मिड पॉइंट, यही हाइट है इसका, है ना। तो क्या हो गया था? π r² सर्कल का बेस का एरिया अपन सॉरी π r² बेस का एरिया इंटू हाइट, तो π r² h, यही तो हुआ था, यही तो इसका वॉल्यूम हुआ था कल। तो यह रहा, तो रहा बेलन के बारे में। जो लोग नहीं कल देख पाए थे या फिर कल थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी, वो आज इस फॉर्मूले को फिर से नोट कर लेंगे। अब कल कुछ क्वेश्चन कराया गया था ना इस पर, उसको भी वहाँ पर करेंगे। आज अगर टाइम मिलता है तो क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं तो फिर बेलन का बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लिया जाएगा क्वेश्चन। चलिए बेलन क्या होता है देखिए, लंबवृत्ति शंकु बेलन का मतलब होते हुए हो गया, अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना दें, देखिएगा इस टाइप में 90 डिग्री ट्रायंगल ऐसे बना दें, एक ट्रायंगल ऐसे बना दें, ठीक है। इसी को अगर घुमा दें पूरा बिल्कुल बीच से ऐसे घुमा दें तो कैसे बन जाएगा? बिल्कुल शंकु के आकार बन जाएगा ना, देखिए शंकु के आकार का बन जाएगा ना फ्रेंड। और ऊपर जो रहेगा कोण, इसे इंग्लिश में कोण भी बोलते हैं, शंकु को कोण भी बोला जाता है इंग्लिश में। और यह हो गया आपका शंकु। अब देखिएगा यह वाला जो हाइट है इसे तो h से वही हाइट बताते हैं, और जो यह वाला हाइट है झुका हुआ इसे बोलते हैं पार्श्व हाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? पार्श्व। पार्श्व हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई इसे बोला जाता है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए आप लोग, तिर्यक ऊंचाई। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? लेटेंट हाइट, लेटेंट हाइट, HIGHT, लेटेंट हाइट, लेटेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट होती है जो इसे L से दिखाते हैं, स्मॉल L से, है ना। और यह वाली हाइट है वही हाइट है, सिंपल कोई एक पिंड खड़ा है वही है हाइट। तो यह वाला हाइट H, स्मॉल H से दिखाते हैं इसे, ठीक है। और वही एक सर्कल है इसमें, और सिलेंडर में कितने सर्कल थे? 2, इसमें एक सर्कल है। तो यहाँ से यहाँ तक वही रेडियस r हो गया, और पूरा डायमीटर हो गया d, है ना। चलिए
अब हम लोग इसका पार्श्व मतलब पार्श्व शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ हमको फिर से पता करना है इसमें भी। तो सर ये स्टार्ट करते हैं, पहले हम देख लेते हैं शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे एक होली पे हम लोग टोपी पहनते थे पहले, जैसे ये टोपी है उसी तरह होली पे एक भोंपू टाइप में होता था नुक्कुन, या फिर ऐसे देख लीजिए जो कुप्पी होती है तेल भरने वाली, वो भी एक शंकु का ही रूप होता है। ठीक है, शंकु का ही रूप होता है, ऊपर ऐसे उठा होता है, या फिर तंबू जो देखते हैं सेना जो होती है हम लोग की टुकड़ी सेना आर्मी वाली, वो जब जगह जगह लड़ाई करने जाती है तो अपना एक उसका पाल टाइप में, त्रिपाल टाइप में बिछाती है ना, ऊपर एक तंबू लगा देती है ऐसे बीच में ऐसे तंबू लगा देती है जिससे कि खड़ा रहे, और साइड साइड में थोड़ा छोटा छोटा लगा देती है जिससे कि वो शंकु का आकार ले लेता है उनका। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी में अफ्रीका का एक जनजाति है, ठीक है, वो भी बिल्कुल बर्फ़ के तंबू में रहती है, उसी तरह बनाती है शंकु के आकार का, कोण के आकार का घर अपना। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक डंडी लगा दिए, ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखिए यह हाइट है, यह आपका लेटेंट हाइट है मतलब तिर्यक ऊंचाई, यह रेडियस। अब सब में हमको पहले क्या पता करना है, यह वाला मतलब पार्श्व हाइट उसके चारों तरफ का, ये इसको नहीं लेना है, बस पार्श्व हाइट लेना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाइट नहीं दोस्त, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, मतलब उसका वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, जो वक्र में है, तो देखिए उसका क्या हो जाएगा, शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा देखिएगा आप लोग, अगर देखा जाए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यह वाला तो पाई आर, कल बताए थे ना, यह पाई आर हो गया इंटू यह वाला आर एल, क्योंकि यहां पे एक सर्कल बनेगा नीचे ना, सर्कल नीचे बनेगा तो पाई आर इंटू एल, यह वाला पाई आर, यह नीचे पाई आर हो गया, और ये एल लेटेंट हाइट, लेटेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, टू पाई आर एल नहीं, क्योंकि जब टू पाई आर एल करेंगे तो मेरा आ जाएगा बेलन। ठीक है दोस्त, इसको यहाँ से देख लिया, अब यह हो गया एल लेटेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, आर फॉर रेडियस, ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, शंकु का पृष्ठ, शंकु के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें पाई आर एल तो रहेगा, इसका वक्राकार का क्षेत्रफल तो रहेगा, प्लस में जैसे उसमें बेलन वाले में आया था ना, वक्र वाला भी और उसका बेस वाला भी दोनों का ऐड कर दिया गया था, ऊपर और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर नीचे का ऊपर का पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए थे, लेकिन इसमें केवल एक ही पाई आर स्क्वायर है, देख रहे हैं केवल एक ही सर्कल है, तो एक ही केवल पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है ना, केवल एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए पाई आर इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा एल प्लस आर, यह हो जाएगा दोस्त शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब शंकु का आयतन निकालते हैं, शंकु है ना, शंकु का आयतन देखिएगा, लिखने पे मत जाइएगा ना दोस्त, उसको आप लोग को बस समझना है, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, राइटिंग वगैरह तो हमारा ख़राब है ही घर, ठीक है, फिर भी समझा लेते हैं, दिखने में तो अच्छा लगता होगा, समझ में तो आ जाता होगा, शंकु का आयतन देखिएगा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन का मतलब हो गया इसका बेस का एरिया इंटू हाइट, कोई भी पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है जब आयतन निकालते हैं 3D में, जब आयतन वही निकलता है जैसे कि बेस का एरिया निकाल लेते हैं इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी उसकी ऊंचाई होती है, यही आ जाता है उसका आयतन। ठीक है, उस परिमाप का आयतन आ जाता है, इस तरह यह भी एक परिमाप ही है, शंकु एक क्या है हमारा परिमाप है। ठीक है, तो बस यह हो गया पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यह पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ और देखिएगा थोड़ा सा, अगर यह हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर है दोस्त, सिलेंडर में अगर हम लोग शंकु काटें तो यहाँ से देखिएगा ऐसे कटेगा ना, ऐसे, तो यह 1/3 भाग आ जाता है इसका, 1/3 तीसरा हिस्सा, एक का तीसरा हिस्सा, इस वजह से 1/3 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, वही अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए पूरा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाता है शंकु का आयतन। ठीक है फ्रेंड, फिर से इतनी बातें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये एल था लेटेंट हाइट, ये हाइट था उसका जो नीचे से इसके बेस से ऊपर तक है कोण तक, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ दोनों साइड संलग्न भुजाएं सट रही हैं। ठीक है, यहाँ पे, और यह रेडियस हो गया, पूरा डायमीटर हो गया। अब पहले तो हम लोग निकाल लिया शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसके चारों तरफ, जैसे हमारा पेन था सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, पेन था तो इसके चारों तरफ का, बस उसी तरह शंकु है, शंकु के बस चारों तरफ का, तंबू के बस चारों तरफ का, कोई तंबू मान लीजिए शंकु का अगर कहीं होता है तो उसके बस चारों तरफ का। ठीक है, तो ऐसा ले लीजिए, तो कितना आ गया पाई आर एल, पाई आर इंटू लेटेंट हाइट, यही तो है, लेटेंट हाइट ही है, यह वाला एच तो अंदर है, सीधा वाला एच तो अंदर है, केवल लेटेंट हाइट ही उसका बाहर वाला है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बस एल हो गया, यह भी एल ही है, तो एल हो गया, पाई आर एल हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इसमें क्या करेंगे, यह वाला एरिया सर्कल का, उसको ऐड कर देंगे किसमें, पार्श्व पृष्ठ वाले में, तो पार्श्व पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर भी सिलेंडर था तो ऊपर वाला ले लेते, वही यही एक बचा है इसमें ना, सिलेंडर में दो बचा था सर्कल, एक नीचे का भी एक ऊपर, इस वजह से क्या हो गया था, टू पाई आर स्क्वायर हो गया था, इसी वजह से टू पाई आर स्क्वायर हुआ था, एक ऊपर का सर्कल एक नीचे का, यहाँ पे केवल एक सर्कल है, इस वजह से पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे कॉमन कर लिए पाई आर, तो आ गया एल प्लस आर, है ना। अब इधर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान लेंगे, हम लोग सिलेंडर बना लिए, सिलेंडर का 1/3 हिस्सा ही शंकु हो गया। ठीक है, 1/3, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला अलग है, ये वाला शंकु अलग टाइप में है, तो ये वाला अलग है, मतलब 1, 2, 3, एक सिलेंडर में तीन शंकु, इस वजह से 1/3। ठीक है, 1/3 गुड़े पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया इंटू हाइट, यही था 3D में कल बताया था, सिलेंडर में सर्कल है, अगर उसको उठा देंगे तो बेस का एरिया, मतलब उसका बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया था उसका सिलेंडर का, लेकिन इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्त, अब देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब हम क्या करते काम करते हैं, इसको एक जगह लिख देते हैं, है ना, यहीं पे नीचे कहीं लिख देते हैं, नहीं तो इसी जगह पढ़े रहने दीजिए, हम क्वेश्चन इधर इतने में सॉल्व कर लेंगे ना, चलिए क्वेश्चन इतना में सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको देखिएगा, अगर हम कहें ये सिलेंडर है, देखिएगा ये सिलेंडर है और एक शंकु है, है ना, अब इसका हाइट एच है, अब इसका भी हाइट स्मॉल एच है। ठीक है फ्रेंड, इसका भी हाइट स्मॉल एच है, अब इसका लेटेंट हाइट मतलब तिरेक ऊंचाई स्मॉल एल हो गया, अब इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर हो गया स्मॉल आर। ठीक है, अब इन दोनों के वॉल्यूम में कंपेयर किया जाता है। ठीक, चलिए करते हैं, इसका मान लेते हैं वॉल्यूम V1, इसका मान लेते हैं V2, अगर V1 बराबर पाई आर स्क्वायर एच है, हमको पता है, हम लोग निकाले हैं, और V2 बराबर क्या है, क्या निकाले हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये निकाला गया है ना। अब देखिए V1 अपन V2 का रेशियो निकाल लेते हैं, V1 अपन V2 डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर का डायरेक्ट अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो फिर हमको फार्मूला लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में। V1 अपन V2 बराबर V1 की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर एच, एक काम करते हैं यहाँ पे सिलेंडर लिख लेते हैं सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं एस शंकु। ठीक, इससे पता चल जाएगा VC अपान VS। ठीक है, सी फॉर सिलेंडर, एस फॉर शंकु, या फिर होता तो एक कोण है लेकिन एस लिख लिए जिससे हिंदी में पता चल जाए आपको। ठीक है, होता तो एक कोण है, यहाँ पे भी सी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस समझने के लिए, एक समझ बनाने के लिए VS लिख दिए। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया सिलेंडर का, शंकु का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/1 अगर बोला जाता है सिलेंडर के आयतन का और शंकु के आयतन का आप रेशियो निकालिए, तो बता देंगे VC ratio VS = 3:1। ठीक है दोस्त, इसको भी नोट कर लेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग 2πr और उसमें भी देख लेते हैं दोनों का कंपेयर, नहीं तो छोड़िए उसको क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। इसको आप लोग नोट करिए और इसको नोट कर लिए, दोनों नोट करिए,
हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, इरेज करने जा रहे हैं दोनों को। अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, समझ में तो आ ही गया होगा जो बताया गया। कंपेयर उसको याद रख करिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीनों फॉर्मूला देखिए इसी जगह लिख देते हैं। अगर बढ़ा जाता है शंकु का तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टी एस ए टोटल सरफेस एरिया शंकु का कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही तो निकाला गया है। अगर पूछा जाता है पार्श्व पृष्ठ का, मतलब वक्र का, वक्र का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का, तो सी एस ए, सी एस ए, सी एस ए शॉर्ट फॉर्म में सरकमफ्रेंस का, मतलब उसके पूरा बस साइड का निकालना एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल। अब इसके बाद वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच, यही तो हुआ था दोस्त, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे पहले बता देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे शंकु है, यह शंकु है, यहाँ से इसका हाइट है और यह एल है, यह एल है, यह हाइट है और यह आर है। जब कभी भी हमको एल दिया हो आर दिया हो, देखिए यहाँ से 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री, देखिए यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण बताए थे ना। अगर इसी चीज़ को हम निकाल लें यहाँ पे ऐसे, तो यह एल था, यह एच है, यह आर है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जब कभी भी एच और आर दिया हो, एल पूछ रहा हो, ठीक है, या फिर एल की हमको जरूरत पड़ेगी, एच और आर दिया हो, लेटेंट हाइट की जरूरत पड़ रही है फार्मूला में, तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, तो एल का वैल्यू आ जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, लेटेंट हाइट इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको भी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। यह एच था, यह एल था और यह आर था, यही तो था। अब इसमें हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, इसको निकाल के अलग से हम लोग समझ लिए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पढ़ाया गया है, उसी से हम लोग एल स्क्वायर यह कर्ण हो गया, इसको आधार या फिर लंब मान लेते हैं, इसको भी आधार या फिर लंब मान लेते हैं, यह तो थीटा के अनुसार हमारा फिक्स होता है। अगर थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल है, कोई एंगल अगर यहाँ पे है, अगर इसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के इस एंगल के अनुसार देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और जिस पे है वह एंगल वह आधार हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों में से लंब और आधार में से किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। तो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से l की वैल्यू दे देती है कभी कभी निकालने के लिए क्वेश्चन में, जब दे देता है तो l की वैल्यू हमको पता रहना चाहिए क्या होगा, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं l इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर पूरा रूट में, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका 12वां चैप्टर है दोस्त, बहुत सारे शिकायतें है थोड़ा सा यूट्यूब से, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप लोग का जो थोड़ा झिलमिलाहट टाइप में दिखता है, तो आप लोग उससे हम लोग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, एक उसमें जब वीडियो चलाते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन आता है उसका रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, तो आप लोग 240 वगैरह पे देख रहे होंगे, 260 वगैरह पे, तो आप लोग काम करेंगे जैसे कोई वीडियो चलाएंगे, वीडियो चलाकर उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे वीडियो के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो के यहाँ पे एक वीडियो चलेगा यूट्यूब पे, तो यहाँ बिल्कुल आएगा आपस में सामने बिल्कुल आएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आएगा बिल्कुल यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले का ऑप्शन आता है, स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन आएगा, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, यूट्यूब पे जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर स्पीड अगर धीमा लग रहा हो या फिर तेज़ लग रहा हो तो धीमा भी कर सकते हैं हमारी स्पीड को, ठीक है। या फिर अगर रिजोल्यूशन या फिर झिलमिलाहट टाइप में दिखता है तो आप लोग 360 और 480 पे देख सकते हैं उसको वीडियो को, ठीक है दोस्त। तो 144 वगैरह पे चल जाता है, अपने आप चलेगा तो 144 पे चलेगा, जब नेट स्लो रहेगा, तो नेट स्लो रहने से क्या हो जाता है कि उसकी कैपेसिटी कम होती है, नेट कम खींचना चाहता है, इस वजह से कम में चलता है और झिलमिलाहट दिखता है। आप लोग उसको अगर बढ़ा लेंगे तो सही दिखेगा ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो रही बात कुछ इन्फॉर्मेशन की आपको दे दिए हम, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ना कुछ। चलिए दोस्त पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक लंबवृत्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। पहला देखिए, एक लंबवृत्ती शंकु बनाते हैं हम लोग पहले, लंबवृत्ती शंकु बना दिए, बिल्कुल टोपी वाला वही लंबवृत्ती शंकु बन गया।
इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस आधार की मतलब रेडियस, यह वाला रेडियस होता है, और यही दिया है 3.5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई लेटेंट ऊंचाई नहीं, तिरेक ऊंचाई नहीं, केवल ऊंचाई हाइट, यह वाला हाइट, तो हाइट दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे क्या बोल रहा है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु के आयतन में हमको एल की जरूरत पड़ती ही नहीं है, आपको पता होगा ना एल का जरूरत पड़ता ही नहीं है। जब एल का जरूरत नहीं पड़ता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एल इजकल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जहाँ पे एल का जरूरत पड़ता, अगर बोलता वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो वहाँ पे एल का जरूरत पड़ता तो हम लोग तुरंत, हमको आर और एच पता है तो एल की वैल्यू तुरंत निकाल देते। जब एल की जरूरत नहीं है हमको वॉल्यूम में, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें एल आएगा ही नहीं, तो एल की जरूरत है ही नहीं निकालने के लिए, ठीक है। तो बस अब रख दीजिए, 1/3 यहाँ पे हो जाएगा इनटू पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, इधर से थोड़ा लिखते हैं, 1/3 गुड़े 22/7 गुड़े 3.5 का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट गया 12 तो 12 कर लिए, ठीक है। अब देखिएगा 22/7 है, 3.5 है, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं ना, तो 7/2 लिख देते हैं। देखिएगा क्यों लिख रहे हैं, बस अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, इससे दिक्कत ना हो ज़्यादा काटने पीटने में। अब जब यहाँ पे 7/2 कर लेंगे, 7/2 गुड़े 7/2, 3.5 गुड़े 3.5 लिखें, चाहे 7/2 गुड़े 7/2 लिखें, क्योंकि 3.5 ही होता 7/2 का मतलब, ठीक है, गुड़े 12 हो गया। अब देखिए 7 से 7 चला गया, 2 से 11 बार में चला गया 22, और 2 से 6 बार में 12 चला गया, और 3 से 2 बार में 6 चला गया, 3 × 2 = 6 बच गया ऊपर 2, 7 और 11, ठीक है, 7 × 2 = 14 या फिर 11 × 7 = 77 कर लीजिए, गुड़े 2 कर लीजिए, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 = 15, 154 cm³ वॉल्यूम है, इसमें से क्यूब आ गया है ना, इसको याद रखेंगे, ये हमारा मात्रक है, इसको याद रखेंगे, मतलब आंसर कितना आ गया इसका, 154 cm³, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, अब परिधि की बात कर दिया, जब परिधि बोला है तो परिधि क्या है शंकु का, पाई आर ही तो है, पाई आर ही तो है, ये अंदर वाला नहीं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, केवल बाहर ये वाला पूरा, तो 2πRH 2πR हो जाता है, लेकिन आधा है तो पाई आर ही तो होगा शंकु का, तो पाई आर हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बोला है पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है, इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवस की आवश्यकता होगी, तंबू में अवध वायु की आयतन भी ज्ञात कीजिए। तंबू में कितना आयतन पहले से भरा हुआ है, एयर का पूरा आयतन, तंबू का आकार, जैसे कि अगर हम बोलें सिलेंडर में गैस है तो जो गैस है वो सिलेंडर के आकार का है, तो वही चीज़ बोला है, गैस का आयतन बताइए या फिर सिलेंडर का आयतन बताइए, तो बात तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि गैस सिलेंडर में उतना ही आएगा जितना सिलेंडर का आयतन होगा, मतलब गैस का आयतन बोले सिलेंडर का आयतन इक्वल हो गया। अगर बोले गिलास में गैस भर दीजिए या फिर किसी डब्बे में हवा भरा हुआ है तो डब्बे का आयतन बताइए, तो उस हवा को हम अलग से अगर मेजर कर लें उतना ही आयतन बताएगा जितना डब्बे का आयतन हो जाएगा। अगर हम लोग किसी टंकी में पानी भरते हैं तो टंकी में क्या बोल के लेते हैं, टंकी को बोलते हैं इतने लीटर का टंकी दे दीजिए, तो टंकी में क्या भरते हैं, पानी तो भरते हैं, तो पानी उतना ही आएगा जितने लीटर का टंकी होगा, तो पानी भी उतने लीटर का हो जाएगा, अगर 10 लीटर का टंकी है तो पानी भी 10 लीटर का होगा उसमें, ठीक, बस वही काम यहाँ पे है। तंबू बना है, तंबू के अंदर जो हवा है उसका आयतन बताना है, तो तंबू का आयतन निकाल देंगे, वह हवा का आयतन निकल जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि परिधि दे दिया है पाई आर, अगर पहले शंकु बना लेते हैं हम लोग ना, देखिएगा ये शंकु बन गया, ये इसका रेडियस हो गया, यह हाइट हो गया, और यह एल है ना, ठीक है। इसमें बोला गया है ऊंचाई, जो शंकु का ऊंचाई है तंबू का वो 15 मीटर है, ऊंचाई मतलब लेटेंट ऊंचाई नहीं दोस्त है ना, यह वाली ऊंचाई, तो हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर की, मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दे दिया है ना। फिर उसके बाद
आधार की परिधि पाई आर, आधार की परिधि पाई आर बराबर कितना दिया है, पाई आर बराबर दे दिया हमको 44 मीटर, कितना 44 मीटर है ना, 44 मीटर दे दिया है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की, कैनवास मतलब कपड़ा एक है जो कि उस पर बिछाएंगे, जैसे कि छड़ वगैरह लगाते हैं ऐसे शंकु के आकार का छड़ लगा दी उस पर कपड़ा जो बिछाएंगे तो उसका कितना क्षेत्रफल होगा, उसका कितना कैनवास लगेगा, बस वही क्षेत्रफल बता देना है हमको पूरा, उसका कौन सा क्षेत्रफल बताना है, सी एस से पाई आर एल की वैल्यू बतानी है, टोटल सरफेस एरिया नहीं बताना है, बस पाई, क्योंकि नीचे जमीन पे तो कुछ होगा नहीं, जमीन पे कैनवास थोड़ी बिछाना है हमको, हमको छत पे बिछाना है तो छत का ही केवल बताना है, मतलब कि हमको सी एस से मतलब क्या बता देना है, शंकु का पार्श्व पिच का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्त, यही बताना है, यह बताना है, और दूसरा आयतन बताना है, आयतन चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब एच बराबर 15 दिया है और पाई आर बराबर 44 दिया है, तो पहले पाई आर को हम लोग आर निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी है ना, क्योंकि हमको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दिया है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल होता है ना। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे लिखे होंगे तभी कर सकते हैं इसको, नहीं तो फिर फिगर पहले मस्ट है, फिगर बनाना आ जाए समझने में आ जाए क्या दिया है क्या पूछ रहा है फिर उसके बाद सब लग जाता है ना। चलिए तो पहले पाई आर में आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई आर बराबर दे दिया है 44, तो आर बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें तो 44 बटे पाई आ जाएगा, यही तो आएगा। अब यहाँ पर पाई का हम लोग गुणा ना करें क्योंकि आगे कट जाने वाला है ना जब निकालेंगे, तो देखिएगा सी एस से जब निकालेंगे तो पाई कट जाने वाला है, तो आर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आर हमारा आ गया इतना। अगर हमको आयतन निकालने की जरूरत पड़ेगी आर स्क्वायर, तो उसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट कर लेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं क्योंकि सी एस से निकाल रहे हैं, सी एस से मतलब शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आर, अच्छा आर निकाल ही लेते हैं दोस्त पूरा, क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा एच ना, एल निकालना पड़ेगा ना, एल निकालना पड़ेगा, एल के लिए छोटा छोटा रहेगा तो सही रहेगा। देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे 44, अब पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7, तो R की वैल्यू 44/7 ऊपर चला गया बटे 22, 22 × 44 यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 14 14 मीटर, R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू 14 मीटर आ गया। अब इसको इरेज करते हैं, R इज इक्वल टू 14 मीटर, देखिएगा आगे R इज इक्वल टू 14 मीटर आ गया तो हमको L की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सी एस से जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसमें L की जरूरत पड़ेगी, L निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले सी एस ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब L हमको पता ही नहीं है लेकिन H और R पता है, जब H और R पता है एच आर एल स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं उस वाले फॉर्मूला से। देखिए तो यहाँ पे L निकाल लेते हैं, L वाला फॉर्मूला जो बताया गया है, क्या बताया गया है, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यहाँ पे R का R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस H का वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। आप लोग को क्यूब का कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सब वीडियो प्रोवाइड है, जाके आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इनबॉक्स में सॉरी इनबॉक्स बोल प्ले लिस्ट में। 15 का स्क्वायर 225, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 6 × 5 = 11 को 1, 9 × 2 = 11, 12 को 2, 2 × 3 = 4, 421 आ गया, 5 × 6 = 5 = 11 को 1 हाथ में आया 1, 2 × 3 = 3, 12 को 2 9 हाथ में 1, 2 × 3 = 4, 421 आ गया दोस्त, 421 किससे कटेगा, 4 × 2 = 8 = 9, ये तो होता है 4 × 2 = 6 = 7 ही है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 421 किससे कट रहा है एक बार देख लेते हैं कहीं गलत नहीं हुआ है। 15 मीटर दिया है हाइट, ठीक है, और परिधि दिया है 14, परिधि 14 दिया है ना, 2 पाई आर, होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, कहीं हम लोग परिधि गलत निकाल दिए हैं, परिधि 7 आना चाहिए इसका ना, देखिएगा एक चीज़ गलत हुआ है बता रहे हैं, देखिएगा आप लोग जो ये परिधि हम लोग निकाले हैं, परिधि यहाँ पे 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर बराबर 44 होगा, पूरा परिधि दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, पूरा
हाफ नहीं दिया है, पूरा दिया है। जब पूरा दिया है तो पाई आर, जब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस नीचे दो जैसे आया था ना, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गया था 44। कोई घबराने वाली बात नहीं दोस्त, गलती हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 2 पाई होगा यहाँ पे, 2 पाई जब 22 से काट दिया था तो 14 आ गया था, 14 आ गया था। फिर 2 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आर है हमारा क्या होगा, 7 मीटर होगा, ना कि 14 होगा, है ना। बस इतना था, थोड़ा सा गलती हो गया था, हो जाता है गलती इस पे, इसको ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आर की वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्त, 7, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 × 7 = 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49। 49 को इसमें ऐड कर देंगे 225 में, तो 9 × 1 = 10, 4 × 14 = 4, कैरी 1, ठीक है। 2 × 4 = 6 = 7 आ गया, और यहाँ पे 274 आ जा रहा है ना, 200, हाँ ठीक तो है, 274 आएगा, है ना दोस्त, यहाँ पे 274 आ जाएगा, 274, यह टूटेगा नहीं, जितना भी है जा रहा है उसको सही जा रहा है, उसको आप लोग इग्नोर मत करिए। देखिए बस, मतलब कि L का वैल्यू कितना आ गया, अगर हम लोग देख लें तो L का वैल्यू आ गया रूट में 274। अब L का वैल्यू भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रूट में 274। अब R का वैल्यू यहाँ से मिल गया और L का वैल्यू यहाँ से मिल गया हम लोग को, है ना। चलिए अब हमारा एक चीज़ निकल गया L का, पहले पार्ट्स पीस का क्षेत्रफल निकालते हैं फिर वॉल्यूम निकालते हैं। पहले पार्ट्स पीस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, गुणे एल का वैल्यू कितना आया है 274, 274 रूट में, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणे 7 गुणे 274, ठीक है दोस्त। 274 को काटते हैं 2 × 1 = 6, 2 × 7 = 14, कटेगा ही नहीं, मतलब पेयर नहीं बनेगा, वो रूट में ही रहेगा। अब देखिए 7 से 7 चला गया, मतलब पार्ट्स पीस का क्षेत्रफल जो आया है 22 × 274 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया शंकु का, है ना दोस्त। अब चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 1/3 πr²h, इसमें L की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉल्यूम मतलब एयर बोला गया है, इसमें एयर कितना भरेगा अंदर, उतना एयर भरेगा जितना इसका गैप है, शंक्वाकार ही तो एयर भरेगा, जब शंक्वाकार भरेगा तो शंकु का ही आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन हम लोग निकाल दे रहे हैं 1/3 πr की वैल्यू कितनी है 7² और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है दोस्त 15, ठीक है। बस हो गया, अब देखिए आप लोग 1/3 πr की वैल्यू 22/7, 7² = 49 गुणे 15, 7 से काट देंगे 7 × 7 = 49 हो गया, 3 × 1 = 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। यहाँ 22 बचा, यहाँ पे 7 × 5 = 35 बचा, 22 को 20 + 2 लिख लिए और 35 को 35 ही कर दिए, गुणा करना इजी बना दिए, जैसे गुणा करना हुआ, प्लस करना हुआ, माइनस करना हुआ, सारे सिंप्लीफिकेशन हम उसको ट्रिक से बताएं कैसे इजी कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसको अच्छे से देखेंगे, प्लेलिस्ट पूरा मैथ का करीब 15 से 16 वीडियो उसमें हैं, आप लोग देखिए उसमें, और वीडियो जा रहा है मैथ का। अब देखिए 20 में पहले 35 का गुणा करेंगे, तो 35 × 70 और 1 0 है तो 700 हो गया, प्लस 35 × 70, तो इसका पूरा कितना आ जाएगा 770 आंसर आ जाएगा। 770 क्या वॉल्यूम है, तो 7 m³, ठीक है दोस्त। तो यह दोनों निकल गया, एयर का कितना उसमें एयर आएगा वॉल्यूम में, तो 770 m³ बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, फिर उसके बाद कल और क्वेश्चन कर लेंगे, आज के लिए एक और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए क्या बोला गया है। एक लंबवृत्त बेलन के आधार की त्रिज्या 3 cm है, ऊंचाई 5 cm है, तो बेलन का आयतन, एक लंबवृत्त, अच्छा बेलन आ गया, शंकु का ही लेते हैं, बेलन वाला कल कर लिया जाएगा, नहीं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बेलन का ही ले लेते हैं, बेलन का नहीं शंकु का ही करते हैं, शंकु का अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद कल दोनों मिक्स करेंगे, ठीक है। देखिए एक लंबवृत्त शंकु तथा बेलन के आधार की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, ध्यान सुनिएगा, एक लंबवृत्त शंकु, यह अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लिया अभी बताए हैं जो कंपेयर किए हैं ना, बस वही चीज़ है। एक लंबवृत्त बेलन बना लेते हैं, एक लंबवृत्त शंकु बना लेते हैं, है ना, दोनों बन गया। बोल रहा है कि इसका जो हाइट है, बेलन का हाइट और त्रिज्या दोनों बराबर है, अगर इसका आर है रेडियस तो इसका भी आर ही होगा, अगर इसका हाइट एच है तो इसका भी हाइट एच हो गया, दोनों बोला है दोनों बराबर हैं,
दोनों के आयतनों के आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। बस दोनों में आयतन हो, बस वही अनुपात वाला जो क्वेश्चन बताया गया है उसी को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और बेलन का आयतन कल बताया गया था और अभी भी बताए हैं हम स्टार्टिंग में, उसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, πr²h। अब दोनों का रेशियो बता देना है, तो इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V1, इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V2। तो V1 अपान में V2 निकाल लेते हैं। V1 का क्या है वैल्यू, 1/3 πr²h, और V2 का है πr²h। πr²h से चला गया तो V1/V2 1/3 आ गया। ठीक है दोस्त, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन तो 1/3, अगर पूछता है बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन तो 3/1, ये रिवर्स में हो जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। एक लंब वृत्त शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब πr² बराबर 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, ये शंकु हो गया है ना, अब इसका एरिया कितना होगा, πr² ही तो होगा, इस पूरे सर्कल का एरिया πr² यही तो होगा। अब πr² का वैल्यू दे दिया है हमें 38.5 सेंटीमीटर² 38.5 सेंटीमीटर² और लंबित शंकु की ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई मतलब यह वाली हाइट, यह हाइट दे दिया है हमें, हाइट दे दिया है कितना, हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, πr² दे दिया है और h दे दिया है, बस वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम बता दीजिए इसका, आयतन बता दीजिए कितना होगा शंकु का। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 πr²h। अब πr² की वैल्यू हमको पता है 38.5, h का वैल्यू पता है 9 सेंटीमीटर, तो बस रख दीजिए यहाँ पे 1/3 × 38.5 × h का वैल्यू 9, 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 3×5 = 15, मतलब 38.5 × 3 कर दीजिए, 3×5 = 5, कैरी 1, 8×3 = 24, 1×25 = 5, कैरी 2, 3×9 = 11, मतलब कितना आ गया 115.5 घन सेंटीमीटर, यह आ गया इसका आयतन। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इतना कल एक क्लास और ले लेंगे, दोनों को मिक्स करके पढ़ा देंगे, मतलब एक क्लास जा चुका है, ये दूसरा क्लास है शंकु और बेलन पर, एक क्लास केवल क्वेश्चन पर बन जाएगा, है ना। चलिए तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए, कल 10-15 क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें कि 4-5 हो गया है, 4-5 आज हो गया, इस तरह 20-25 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। तो और बाकी आप लोग करिएगा, चैप्टर खत्म होते ही हम कहेंगे तो और क्वेश्चन ले लेंगे, करवा देंगे, जिसमें पेपर बहुत पास से समझ कर अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, और कुछ जो गलतियाँ थी उसको हमने बताया है, जो कि यूट्यूब की तरफ से आ रही हैं उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक ग्रुप एक चलता है, ठीक है दोस्त, फेसबुक पे अंजलि मैम के नाम से, उस पे फेसबुक ग्रुप में अगर आप लोग ऐड हैं तो ठीक है, नहीं ऐड है तो ऐड हो जाइए। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग कुछ जो लोग ऐड हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं ऐड हैं उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सारा PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाता है डेली, करंट अफेयर का भी वीडियो, करंट अफेयर का सारा अपडेट वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, करंट अफेयर का पूरा नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ पर दिया जाता है, और आपका जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर डाला जाता है, आप लोग वहाँ पर जुड़े रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी, उसको देख लीजिए, इसमें ऐड हो जाइए, ऑनलाइन सर्च करिएगा OnlineE, ऑनलाइन शिक्षण, SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल, OFFICACEAL, या CEAL, ऑनलाइन ऑफिशियल नाम सुन लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल अगर आप लोग सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आएगा, उसमें करीब इस समय 114-115 बच्चे ऐड हैं, आप लोग उसमें ऐड हो जाइए। ठीक है दोस्त, धीरे धीरे लोग ऐड हो रहे हैं, अगर आप लोग भी ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पे सारा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा, जिससे कि परेशानियाँ नहीं होंगी। ठीक है दोस्त, अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगता है हम लोग का थोड़ा सा मेहनत तो उसको शेयर भी करता, आपका हक बनता है, उसको आप लोग शेयर करिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।